एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारी बैंकिंग सब्जेक्ट का जो थर्ड चैप्टर है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक्स फंड, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक, पार्ट वन है, जिसमें हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या हमें क्या समझना है। ठीक, एक इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का। तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है, पहले तो जानना है हमें कि ये चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक्स फंड। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बैंक फंड्स का मतलब कि हमारी बैंक भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है, कुछ फंड तैयार करती है। तो वो कैसे फंड्स तैयार करती है, कैसी इन्वेस्टमेंट करती है, उसके ऊपर इस चैप्टर में पूरा आपको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि बैंक इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या है। तो क्या दे रखा है, दी बैंक फॉर अर्निंग प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट देयर फंड्स मच दे केप्ट गेट फ्रॉम मनी सोर्सेज, बट द बैंक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट द मनी इन प्रॉफिटेबल मैनर विच कैन नॉट गिव एनी प्रॉफिट, बट दे आर इजेंशियल फॉर स्मूदिंग फंक्शनिंग ऑफ अ बैंक। कहने का मतलब ये है, अब आप कहोगे मैम आपने ये सर्कल्स क्यों बनाए, तो ज़रा इन पॉइंट्स को देखिए। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आप हमारी जो बैंक है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करती है, वो इन्वेस्टमेंट्स करती है दो तरीके से। कैसे इन्वेस्ट करती है, एक तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करती है और एक करती है नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हमारी बैंक जो भी अर्न करती है प्रॉफिट, वो किस लिए करती है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगी तभी तो भाई वो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसका रिटर्न उसका रिटर्न इंटरेस्ट में मिलेगा, राइट। तो प्रॉफिट के लिए कर रही है, तो हमारी बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, अपने आप को अपने फंक्शंस को स्मूथली रन कराने के लिए भी वो इन्वेस्टमेंट करती है। एक है हमारा प्रॉफिटेबल और एक नॉन प्रॉफिटेबल नाम से उसको जाना जाता है, यानी कि हमारी बैंक हमारे फंड्स को हमारे पैसों को ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है। एक जगह हो गया जहाँ पे तो उसको रिटर्न में पैसा मिलेगा ही, उसका प्रॉफिट होगा, ठीक, और एक जगह ऐसी जगह उसने इन्वेस्ट किया कि उसको प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन हाँ उसका नुकसान भी नहीं होगा, वो स्मूथली रन करेगी, अपना काम करती रहेगी, उसका काम कहीं रुकेगा नहीं। अब एग्जाम्पल से बात समझते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझे हम। तो हमारी बैंक ने क्या किया, हमारी बैंक ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक, शेयर्स खरीदे, 10,000 के शेयर्स परचेज किए। अब उन्होंने 10,000 के शेयर्स परचेज किए हैं तो उन बैंक ने क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, राइट, पैसा इन्वेस्ट किया है। अब पैसा भी लौटेगा, इंटरेस्ट भी लौटेगा, यानी कि प्रॉफिट हुआ, 10,000 से ज़्यादा पैसे मिलेंगे यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट पे, हमारी बैंक ने क्या किया, एक फंड क्रिएट किया, उन्होंने रिजर्व फंड तैयार किया जिसमें वो क्या कर रही है, अपनी प्रॉफिट में से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि बचा बचा के अलग कर रही है। वो क्यों, वो इसलिए कर रही है कि इन फ्यूचर हमारी बैंक पे कोई दिक्कत आ गई तो, हमारे बैंक में हमारे ऑफिस में आग लग गई तो पैसा कहाँ से आएगा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास उस वक्त पैसा है ही नहीं, तो हम कम से कम इस रिजर्व में से उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो उसको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका, उसका पैसा बढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ उसका काम प्रॉपरली चल रहा है, कहीं पर रुकेगा नहीं, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो वो उस पैसे का यूज़ कर सकती है। तो ये हो गया नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, समझ में आया। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी बैंक जो है वो क्या कह रहा है, बट द बैंक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दियर मनी इन प्रॉफिटेबल मैनर, वो प्रॉफिटेबल मैनर के लिए करती है जो उनको कैन नॉट गिव एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं देगा, बट दे आर इजेंशियल, जो कि ज़रूरी है उनके काम को स्मूथली रन कराने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप से हैं, एक होती है प्रॉफिटेबल और एक होती है नॉन प्रॉफिटेबल। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं और नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। सो आई विश आपको ये समझ में आया होगा इतना। अगर कोई भी डाउट है सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। बाकी आप लोगों की
कुछ ही दिनों में रिविजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सो अगर इंटरेस्टेड हो रजिस्ट्रेशन कराओ, नीचे नंबर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, सो जल्दी से जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। थैंक यू, हैव अ